हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस यूनिट में हमें टोटल 6 टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक है परसेप्शन, इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड इसके कॉम्पोनेंट। सेकेंड है एटीट्यूड, इसमें भी इसकी डेफिनेशन, कॉम्पोनेंट्स एंड टाइप्स। थर्ड टॉपिक है मोटिवेशन, मोटिवेशन में इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस, टाइप्स एंड इसके फीचर्स। फोर्थ टॉपिक है वैल्यूज़ के बारे में, तो वैल्यू की भी डेफिनेशन देखेंगे और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लास्ट है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये एक मोटिवेशन थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में। एंड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ परसेप्शन? परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। परसेप्शन इज़ द एक्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज़ देयर टू बी सीन। परसेप्शन इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच एन इंडिविजुअल रिसीव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एनवायरनमेंट। Perception includes 5 senses: smell, sound, taste, sight and touch. Perception का meaning होता है सोचना। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो वो है perception. Perception के 5 सेंस होते हैं: smell, sound, taste, sight and touch. इन 5 सेंस से अगर आप कुछ भी इनपुट ले रहे हो एनवायरनमेंट से, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो भी आपके आसपास हो रहा है, अगर उस एनवायरनमेंट से आप इन 5 सेंस के थ्रू कुछ भी इनपुट आ रहा है आपके अंदर और उसको आप ऑर्गेनाइज करके, सेलेक्ट करके उस पर कोई मीनिंगफुल पिक्चर बना रहे हो ना उस चीज़ की, तो आप उसके बारे में परसेप्शन बना रहे हो। यही होता है परसेप्शन, सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। परसेप्शन मीन्स परसीविंग। परसेप्शन का मीनिंग होता है परसीव करना, कुछ भी ऑब्जर्व करना, कुछ भी समझना। जो भी एनवायरनमेंट है हमारा, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, उसको मीनिंग देना ही होता है परसेप्शन। उसके बारे में आप क्या सोचते हो। परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लोग होते हैं वो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड में और एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं परसेप्शन। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए परसेप्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के कॉम्पोनेंट्स। देखो, आप परसेप्शन की डेफिनेशन याद कर लोगे, उसका एक डायग्राम रेडी कर लोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको परसेप्शन के कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए कि उसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 5 कॉम्पोनेंट लिखे हैं परसेप्शन के। पहला है एक्साइटमेंट, सेकेंड है अटेंशन, थर्ड है ट्रांसलेशन, फोर्थ है बिहेवियर और फिफ्थ है सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज द मैनर और फीलिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। एटीट्यूड इज द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स वी कॉल पर्सनैलिटी, बिहेवियर, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड मोटिवेशंस। एटीट्यूड एग्जिट इन एवरी पर्सनस माइंड। It helps to define our identity, guide our actions and how we judge people. Attitude helps us define how we see conditions and how we behave toward the condition. Attitude का meaning होता है आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से feel करते हो, किस तरह से behave करते हो, किसी भी condition में आप किस तरह से react करते हो, वो शो करता है आपका एटीट्यूड। किसी भी चीज़ के बारे में हम या तो पॉजिटिव बोलते हैं या फिर हम नेगेटिव बोलते हैं, और ये बात हमारे एटीट्यूड को ही शो करती है। किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो फीलिंग होती है वो ही हमारा एटीट्यूड होता है, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो
या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो। किसी भी चीज़ के बारे में जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसा ही हमारा एटीट्यूड होता है। जब हमारा जन्म होता है तब हमारे पास एटीट्यूड नहीं होता, एटीट्यूड हम बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, अगर किसी चीज़ के साथ आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर किसी चीज़ के साथ आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। एटीट्यूड परसेप्शन की तरह नहीं है, परसेप्शन अलग है और एटीट्यूड अलग है। एटीट्यूड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है पर्सनैलिटी का, बिहेवियर का, वैल्यूज़ का, बिलीफ्स का और मोटिवेशंस का। और हर किसी के माइंड में, हर एक पर्सन के माइंड में एटीट्यूड एग्जिट करता है। एटीट्यूड की हेल्प से हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो डिफाइन करती है कि हम किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम लोगों को किस तरह से जज करते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के कॉम्पोनेंट्स तीन लिखे हैं मैंने। पहला है कॉग्निटिव, सेकेंड इफेक्टिव एंड थर्ड है बिहेवियर। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। द फर्स्ट टाइप इज जॉब सेटिस्फैक्शन, द सेकेंड टाइप इज जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड द थर्ड टाइप इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एटीट्यूड के तीन टाइप होते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आपको एटीट्यूड की डेफिनेशन, कॉम्पोनेंट, इसके टाइप्स और इसका एक डायग्राम पता होना चाहिए। वॉट इज मोटिवेशन? द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मूवियर। मूवियर मीन्स टू मूव, टू ड्राइव और टू ड्राइव फॉरवर्ड। Motivation can be defined as inspiring and inducing the employees to perform to their best. Motivation is a psychological term which means it cannot be forced on employees. ये जो word है motivation, ये word आया है word mover से, जिसका meaning है to move, to drive और टू ड्राइव फॉरवर्ड। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा है, पूरी लगन है, तो वो ही है मोटिवेशन। और अगर आपको काम करने की कोई लगन ना हो तो आप हो डीमोटिवेटेड। आपको कोई नीड है, कुछ पाना है, आपको कुछ बनना है और उस चीज़ के लिए पूरी मेहनत करते हो, सभी एफर्ट्स लगाते हो उस चीज़ के लिए, तो यही होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मीनिंग ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, आप किसी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकते हो मोटिवेट होने के लिए, ये अंदर से आती है। मतलब आप किसी एम्प्लॉय को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मोटिवेट हो जाओ, आप उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। द मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की डेफिनेशन के बाद है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। देखो, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहला आता है अनसेटिस्फाइड नीड, फिर टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड और रिडक्शन ऑफ टेंशन। ये इसका प्रोसेस होता है, लेकिन इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। आपके पास नीड है कि आपको पानी पीना है, तो यहाँ पर जनरेट हुई आपकी नीड, ठीक है। नीड जनरेट होने के बाद आपको टेंशन हुई कि प्यास लग रही है, टेंशन होने के बाद आप उठते हो, किचन में जाते हो और पानी पीते हो, यानी ड्राइव और सर्च बिहेवियर। फिर सेटिस्फाइड नीड, जो आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, आप सेटिस्फाई हो गए। यही प्रोसेस होता है मोटिवेशन का। कोई ना कोई आपकी नीड होती है, उस नीड की वजह से आपको टेंशन होती है, उस टेंशन को कम करने के लिए आप काम करते हो और उस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है।
टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मोटिवेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 5 टाइप लिखे हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है अचीवमेंट मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, फियर मोटिवेशन, इंसेंटिव मोटिवेशन और एटीट्यूड मोटिवेशन। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें जनरली तो मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमियन। इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिज़ायर्ड एंड एस्पिरेशन। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज मैनेजर्स यूज वेरियस मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन हेल्प्स to change from negative attitude to positive attitude. Motivation improves the performance level of employees. Motivation creates supportive environment. Motivation एक psychological phenomenon है। Motivation एक internal feeling है, जिसका मतलब ये है कि हम किसी employee को force नहीं कर सकते काम करने के लिए, क्योंकि जाहिर से बात है हम motivation का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम मोटिवेट हो सके और अपना काम कर सके, उस काम में हम अपना पूरा बेस्ट दे सके, अपना 100% दे सके। जो इंटरनल फीलिंग होती है जैसे कि नीड, डिज़ायर और एस्पिरेशन, मोटिवेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को। जो मैनेजर्स होते हैं वे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं मोटिवेटर्स, और जो मोटिवेटर्स होते हैं वे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन हमें हेल्प करता है कि हम हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में। मोटिवेशन जो है वो इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। मोटिवेशन जो है वो क्रिएट करता है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ वैल्यू? अ वैल्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अ पर्सन बिलीव्स एंड स्टैंड्स फॉर। अ पर्सन वैल्यूज़ आर देयर कोड ऑफ कंडक्ट, बिहेवियर, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स दे लिव बाय। वैल्यू जो है वो बेसिक बिलीफ है, बेसिक ओपिनियन है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है। ये सारा इंडिविजुअल बिलीफ रखता है, जो अपने ओपिनियन रखता है वो ही होता है वैल्यू। देर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू के दो टाइप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। पहला टाइप होता है इंडिविजुअल, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशनल। इंडिविजुअल जैसे फैमिली, रिस्पेक्ट, करियर, ट्रेडिशंस और कस्टम। व्हाट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन? जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ डिफाइंड एज अ पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स यू एक्सपीरियंस व्हेन डूइंग योर जॉब। It is important to remember that job satisfaction varies from employee to employee. In the same workplace, under the same condition, the factor that help one employee feel good about their job may not apply to another employee. There is no one definition of job satisfaction. एक एम्प्लॉय अपनी जॉब के साथ कितना कंफर्टेबल फील करता है, वो अपनी जॉब के साथ कितना सक्सेसफुल फील करता है, वो अपनी जॉब के साथ कितना खुश है, इसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। किसी भी एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन कब मिलती है? उसकी बहुत सारी डिमांड होती है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, करियर ग्रोथ, रिवॉर्ड्स, रिस्पेक्ट वर्क एनवायरनमेंट। जॉब सेटिस्फैक्शन की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, हर एक एम्प्लॉय के लिए अपनी अपनी अलग डेफिनेशन है।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट जॉब सेटिस्फैक्शन वेरीज फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द सेम वर्क प्लेस अंडर द सेम कंडीशन द फैक्टर दैट हेल्प वन एम्प्लॉय फील गुड अबाउट देयर जॉब मे नॉट अप्लाई टू अनदर एम्प्लॉय. सेम वर्क प्लेस है, सेम ही कंडीशन है, एक एम्प्लॉय खुश है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा एम्प्लॉय भी खुश होगा. क्या पता वो खुश ना हो, उसको बुरा लग रहा हो, क्या उसको अच्छा फील ना हो रहा हो. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय खुश है तो दूसरा भी एम्प्लॉय खुश होगा. हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी डेफिनेशन है उसकी जॉब को लेकर, उसकी जॉब को लेकर उसका अपना खुद का परसेप्शन है. कॉम्पोनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज पे एंड बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, एंगेजमेंट, करियर डेवलपमेंट. ये हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के कॉम्पोनेंट्स जो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं. मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमंस आर हाईली मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स. इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम मैस्लो in 1943. This theory is based on the human needs. This theory presents his hierarchy of needs in a pyramid shape. ये थ्योरी एक मोटिवेशन थ्योरी है. इस थ्योरी को बनाया था अब्राहम मैस्लो ने 1943 में. इनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करता है पर्सन की नीड पर. किसी गोल को पाने के लिए जब वो इंसान पूरी मेहनत करता है, जी जान लगा देता है उस गोल को पाने के लिए, तो वो उसका मोटिवेशन होता है. मोटिवेटेड पर्सन वो होता है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा रहता है, मेहनत करता रहता है. डीमोटिवेटेड पर्सन आपको पता ही है, जिसको गोल तो पता है पर वो मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ सोचता रहता है, इमेजिनरी प्लान्स बनाता है. डीमोटिवेटेड पर्सन इज इक्वल टू नालायक, कामचोर और आलसी. इस थ्योरी में यही बताया गया है कि जो मोटिवेशन होता है पर्सन का वो डिपेंड करता है उसके गोल पर, उसके ड्रीम पर, उसके डिज़ायर पर. अब्राहम मैस्लो ने 5 कैटेगरी बताई है ह्यूमन नीड्स की और उनको अरेंज किया है हायरार्की में, एक पैरामिड शेप में, जिसको हम बोलते हैं बेसिक नीड टू हायर नीड.